जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों अगर आप भी बीएससी बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपका भी जो है रिजल्ट प्रमोटेड या प्रो प्रमोटेड बता रहा है तो यह वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। कम्प्लीट जानकारी इस वीडियो पर देने वाले हैं, आखिर इसका मतलब क्या होता है ये भी इस वीडियो पर बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं एक मार्कशीट लिया है, मार्कशीट के हिसाब से आपको समझाएंगे ताकि आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो पर यही बात करने वाले हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसी वीडियो हम अपलोड करते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9770234998 ये हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, इस पर आप जो है हमें कॉन्टैक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो हमें पता है कि ये वीडियो बाद में भी चलेगी, तो ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हैं, चाहे आप 2023 में देख रहे हैं या 2024 या आप जो है 2030 या 32 आप किसी भी ईयर में देख रहे हैं, ये सभी के लिए जो है ये वीडियो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों का मेरा जो है कमेंट आ रहा था कि जो है रिजल्ट प्रमोटेड या प्रो प्रमोटेड बता रहा है क्यों, तो इसका मतलब हम जानेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो, साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाता है, वहाँ पर सभी स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए और आल यूनिवर्सिटी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मार्कशीट यहाँ पर मैंने लिया है चूँकि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का, राजा शंकर सा यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का, यहाँ पर रिजल्ट जो है प्रमोटेड बता रहा है, प्रो प्रमोटेड। इसका मतलब क्या होता है ये भी हम जानेंगे कि प्रो प्रमोटेड आखिर क्यों बता रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले मार्कशीट, यहाँ नाम वगैरह मैंने हाइड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमोटेड क्यों बता रहा है। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपका 100 अंक का यहाँ पर पेपर होता है, पासिंग अंक 35-35, सभी पे लगभग 35-35 अंक हैं। ठीक है, और जो यहाँ छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रमोटेड कहकर जो है रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक है, प्रो प्रमोटेड तो क्यों हो रहा है ये बात करेंगे। यहाँ पर आपके जो है 100-100 अंक के सभी पेपर हुए हैं और सब में जो है आपको पासिंग अंक कितने लाना होता है, 35 अंक पासिंग अंक लाना होता है थ्योरी में। ठीक है, ये थ्योरी है और यहाँ पर 100 अंक के सारे पेपर हुए हैं, 35 अंक पासिंग अंक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि प्रो प्रमोटेड आखिर क्यों बता रहा है। प्रो प्रमोटेड बताने का यहाँ पर खास वजह क्या है, अगर आपको जो है ये सारे सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर उनमें से आपको जो है दो सब्जेक्ट में अगर आपके पासिंग अंक, यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पासिंग अंक आपका कितना है, यहाँ पर 35 है। ठीक है, 35 है, अगर इसमें से आपके दो सब्जेक्ट में कम अंक आते हैं, ठीक है 35 से कम अंक आते हैं या 34 भी आ जाते हैं, ठीक है दो सब्जेक्ट में या उससे कम आते हैं, तो आपको जो है प्रमोट कर दिया जाता है। और प्रमोट कर दिया जाता है उसके बाद क्या होगा वो भी आगे जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 35-37 अंक मतलब पास, 35-36 अंक एक अंक ज़्यादा है मतलब पास है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनमें सभी में पास है। ठीक है, लेकिन आप जैसे नीचे की यहाँ पर दो पेपर की बात करें तो यहाँ पर 30 अंक चूँकि 5 अंक कम है और यहाँ पर एक अंक कम है, मतलब जो है थोड़े से अंक से यहाँ पर जो है एक कम अंक आ गए हैं, तो यहाँ पर इस पर क्या किया है, इस पर जो है प्रमोटेड दे दिया। ठीक है, प्रमोटेड दे दिया जिससे आप जो है आगे के क्लास में एडमिशन करा सकते हैं। और प्रमोटेड का मतलब जो है आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा जिस भी विषय में आपके जो है कम अंक आए हैं और प्रमोटेड कहकर जो है रिजल्ट नीचे शो हो रहा है, उसका जो है एग्ज़ाम आपको दोबारा देना पड़ेगा। और वो एग्ज़ाम आपको जो है बाद पे, मतलब जो है अभी जो मान लो आपको जो है फर्स्ट ईयर में आया है, ठीक है फर्स्ट ईयर में प्रमोटेड कहकर लिखकर आ रहा है रिजल्ट में, तो आप सेकंड ईयर का एडमिशन तो करा लेंगे। ठीक है, साथ में उसका एग्ज़ाम भी दे देंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर का भी आपको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें आपके कम अंक आए हैं और रिजल्ट में प्रमोटेड बता रहा है, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट में आए मतलब इनके जो है उनको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसके जो है कब होगा, मतलब इसका एग्ज़ाम बोले तो अभी जो मान लो इसी वर्ष आया है, ठीक है और पास हो गया, तो अब इस वर्ष मतलब जो न्यू बैच है, ठीक है जो न्यू एडमिशन लिए हैं उन्हीं के साथ जो है आपको जो है इन दो पेपर के एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, प्रमोटेड का मतलब बात करें तो यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट था उनका, यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर जो है फेल हो गए हैं, मतलब जो है कम अंक आए हैं, तो इनका पेपर आपको जो है बाद में देना होगा, मतलब जो है अभी न्यू बैच स्टार्ट हुई है जिनके अभी पेपर कुछ दिनों में होने वाले हैं, जो है
अभी नहीं बात करें तो जब भी पेपर होते हैं, ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर पे हैं और सेकंड ईयर के एडमिशन कराते हैं, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम भी दे देंगे, तो आपको जो है फर्स्ट ईयर जो कर रहे होते हैं उनके साथ ही आपको जो है एग्ज़ाम इनका देना होता है। बाकी एग्ज़ाम कब होगा वो सभी जानकारी हम जो है टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं और चैनल पर अपलोड भी कर देते हैं कि भाई कब क्या होने वाला है, फॉर्म भर रहे हैं उसकी जानकारी हम देते रहते हैं। इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, या तो मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इनका जो है एग्ज़ाम आपको जो है दोबारा देना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से बात करें यहाँ पर, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर बात करें तो दो विषय में मतलब जो है आपको ATKT आ जाती है, समझ लो ATKT ही समझ सकते हैं आप इसे, ठीक है। ATKT या सप्लीमेंट्री की बात करें, ATKT काफ़ी सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को यहाँ पर पता ही नहीं होगा कि ATKT का मतलब क्या होता है। तो ATKT मतलब जो है सप्लीमेंट्री होता है। इस प्रकार आपको जो है एक प्रकार से सप्लीमेंट्री यहाँ पर दे दिया जाता है, जिसका एग्ज़ाम जो है आपको दोबारा देना पड़ता है। अब बात करें एग्ज़ाम फार्म की, तो एग्ज़ाम फार्म के जो फर्स्ट ईयर के जिनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फार्म जब भरेंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आइए तो आपके जो है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म जब भरेंगे उसके साथ भर जाएंगे, या तो सेकंड ईयर में आइए तो आप थर्ड ईयर का भी जो है एग्ज़ाम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, और साथ में सेकंड ईयर में जिसमें आपको जो है प्रमोटेड बता रहा है या पासिंग अंक से कम आया है तो सेकंड ईयर वालों के साथ ही आपको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने शुरू में बताया, कॉन्टैक्ट वगैरह कर लीजिएगा, कॉल वगैरह भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बाकायदा अटेंड करेंगे और आपको पूरा क्लियरली वहाँ पर भी समझाएंगे, इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसका एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना होता है आपको। जैसे दो पेपर में आइए, दो पेपर के एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपको थर्ड ईयर में आइए तो सेकेंड ईयर वालों के साथ है, और एग्ज़ाम फीस आपकी जो है कम ही रहेगी यहाँ पर। तो इस प्रकार ये जो है प्रमोटेड या प्रो प्रमोटेड एक ही मतलब होता है। अगर आपके जो है तीन अंक, मान लो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में भी 34 अंक आए हैं पासिंग अंक से कम, और फाउंडेशन फर्स्ट में भी 30 अंक आए मतलब पासिंग अंक से कम, और मान लो इधर इनमें से आपको कोई एक में भी अगर आपके कम अंक आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर 36 है, माना कि 36 है तो यहाँ पर भी 34 आ जाता तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बताता, फेल आ जाता, ठीक है, रिजल्ट यहाँ पर फेल हो जाता और इस प्रकार फेल हो जाते। लेकिन यहाँ पर आपको प्रमोटेड मतलब आगे क्लास में आपको जो है एडमिशन का यहाँ पर मौका मिला है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा था, ठीक है, आप कोई भी क्लास को मान सकते हैं, इतने तो आप समझदार हैं ही। बाकी अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं यहाँ पर फिर से मेरा मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, 9770234 9 और फिर 98, इस पर आप जो है कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या तो आप मोबाइल स्टडी जो चैनल का नाम है वही नाम आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो वहाँ मिल जाएगा, और वहाँ पे हमारे ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं और तुरंत आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसको भी ये डाउट है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।